नमस्कार, मैं हूं राहुल दहिया, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। राम हमेशा से ही सियासी पार्टियों के लिए फेवरेट टॉपिक रहे हैं। बीजेपी तो राम नाम का जाप जपकर यहां तक पहुंच गई है। बीजेपी तो छोड़िए, चुनाव से पहले कांग्रेस भी राम नाम की धुन में रमती दिखाई दे रही है। बाकी दलों को भी लगता है अब राम का ही सहारा रह गया है। तभी लोकसभा से गायब हो चुकी मायावती भी राम का गुणगान करती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, सेक्युलर कहे जाने वाले दल बसपा की मुखिया मायावती ने भी अयोध्या में राम मंदिर को लेकर मुसलमानों को एक सलाह दे डाली है। आपको बता दें कि बीते दिनों दिल्ली में आरएसएस का 3 दिवसीय सम्मेलन हुआ था, जिसमें संघ प्रमुख मोहन भगवत ने कहा था कि मुस्लिम पराय नहीं है। हिंदू राष्ट्र का मतलब ये नहीं है कि यहाँ मुस्लिम नहीं चाहिए। जिस दिन ऐसा कहेंगे तो वे हिंदुत्व नहीं रहेगा। इसी बयान पर आगे बढ़ते हुए मायावती ने अयोध्या में राम मंदिर का जिक्र करते हुए मुसलमानों को एक सलाह दे डाली। उन्होंने कहा कि अयोध्या में जन्मभूमि पर मंदिर बने और अगर मुसलमान खुद बनवाते हैं तो बरसों से उन पर उठ रही उंगलियां झुक जाएंगी। यानी साफ है कि मायावती भी चाह रही हैं कि अयोध्या में राम मंदिर बन जाए, और इसके लिए वो मुसलमानों से सीधे बैर लेने की बजाय अपनी बात को घुमा कर कह रही है। साल चुनावी है, ऐसे में सभी दल राम नाम की माला जपने लगे हैं। देखना यह होगा कि इस चुनाव में पहले अयोध्या का ये विवादित मुद्दा सुलझ पाता है या फिर इस बार भी ये वोट पाने के लिए एक मुद्दा ही बनकर रह जाता है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर इसे आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, और अगर इसे आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।